दोस्तों BSNL में पोर्ट कराने के बाद आपको दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि 45 दिन के लिए आपको रिचार्ज मिल जाएगा और 2 GB डाटा इंटरनेट भी प्रतिदिन आपको मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि अनलिमिटेड कॉल इसमें सब कुछ मिलेगा, यानी 45 दिन दूसरी कंपनी नहीं देती है। और इसकी पैसे की बात करते हैं तो 249 रुपये का रिचार्ज कर आपको मिलेगा पहला रिचार्ज, जो कि वो दुकान वाला ही कर देगा। और ऑफ़र की बात करते हैं तो 100 रुपये, 80 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, एक दुकान वाले के डिमांड के ऊपर है वो कितना आपसे ले सकता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैंप वाले दे रहे हैं, जो कि सस्ते से सस्ता आपके नंबर को BSNL में पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके कुछ नियम्स हैं जो जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कैसे पोर्ट होता है, क्या होता है, पूरी जानकारी। दोस्तों, हाउ टू पोर्ट इन BSNL, यदि आपको भी अपने नंबर को BSNL में पोर्ट कराना है, क्योंकि आपको पता है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और जियो कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया है, इस कंडीशंस में आप पोर्ट कराना चाहते हैं अपने नंबर को BSNL को, तो विदाउट नंबर चेंजिंग आप आसानी से BSNL में आ सकते हैं। लेकिन BSNL के बहुत सारे सवाल हैं जो आपको जानना पड़ेगा, BSNL के कुछ रूल्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको भी अपने नंबर को BSNL में पोर्ट कराना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है, जैसे कि आपके पास जो भी सिम कार्ड है उस सिम कार्ड में रिचार्ज होना चाहिए। यदि उस सिम कार्ड में रिचार्ज नहीं है तो आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तभी वो नंबर पोर्ट होगा, क्योंकि पोर्ट करने के लिए एक UPC कोड की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए एक SMS किया जाता है 1900 पे, कैपिटल में पोर्ट स्पेस मोबाइल नंबर लिखकर भेजा जाता है, तो उधर से 1901 पे कर एक UPC कोड आता है, तो इसमें रिचार्ज होना चाहिए। यदि रिचार्ज नहीं है तो आप कोई रिचार्ज कराइएगा, हो सके तो 4 दिन पहले कराइएगा, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। अब सवाल आती है कि देखिए इससे कुछ अलग उसका रूल्स है, इस कंपनी में आप जो है 16, 17 साल, 18 साल पे भी आ सकते हैं, लेकिन उस कंपनी में आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, यानी आपका जो भी सिम कार्ड पोर्ट कराएंगे BSNL में आपकी उम्र 18 वर्ष होना चाहिए आपके आधार कार्ड पे। और सवाल रहा कि यदि ये सिम कार्ड जो भी है जियो एयरटेल VI आपके नाम पे नहीं है तो आपके नाम पे क्या BSNL में पोर्ट हो जाएगा यही नंबर, सेम नंबर? तो बिल्कुल हाँ, आपके नाम से पोर्ट हो जाएगा BSNL में, UPC कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल आता है कि पोर्ट करने के बाद आपको एक BSNL का सिम कार्ड मिल जाता है, लेकिन BSNL के सिम कार्ड मिलने के बाद आपका जो पुराना नंबर है जियो एयरटेल VI जो भी आपने पोर्ट कराया वो सिम कार्ड चलता रहेगा, और जैसे ही वो सिम कार्ड बंद होगा 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो सिम कार्ड आपकी चालू हो जाएगी BSNL की। अब BSNL का सिम कार्ड चालू होने के बाद यदि फिंगरप्रिंट से सिम कार्ड लिए हैं तो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन पहला रिचार्ज उसी से करवाना पड़ेगा जो आपके नंबर को पोर्ट किया है, यानी आपका जो दुकान वाला पोर्ट किया है या कैंप वाला पोर्ट किया है, तो उसका नंबर आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको उससे ज़रूरत पड़ेगी, वो पहला रिचार्ज आप में ज़रूर करेगा, वो जो कि पोर्ट होने के बाद करेगा। ठीक है, ये कंडीशंस रहा। अब देखिए 24 घंटे के लिए आपका सिम कार्ड पोर्ट हो गया, रिचार्ज भी पड़ गया, आपका इंटरनेट कॉल सब कुछ चल रहा है, लेकिन 24 घंटे के लिए आपकी SMS बंद रहेगी। जैसे कि आप फ़ोन पे UPI को लॉगिन करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, और यदि आपका बैंक का कोई SMS रहेगा तो नहीं हो पाएगा, और OTP की माजरा भी नहीं हो पाएगी, यानी 24 घंटे बाद ही इनकमिंग आउटगोइंग SMS आपका शुरू होगा, इस बात को ध्यान देना है। हाँ, एक और बड़ा सवाल, यदि आप BSNL में आना चाहते हैं तो सोच समझ कर आइएगा, अपने एरिए के नेटवर्क को पता कर आइएगा, वरना यदि आप गलती से अपने नंबर को BSNL में पोर्ट करा लेते हैं तो 90 दिन बाद ही आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, क्योंकि 90 दिन उस कंपनी में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका UPC कोड निकलेगा, तभी आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इसलिए आप इंटरनेट के लिए आ रहे हैं या बात करने के लिए आ रहे हैं तो पहले नेटवर्क पता करिएगा। एक बात खास BSNL का मुझे अच्छा लगा कि BSNL का 3G नेटवर्क की स्पीड काफ़ी अच्छा है, जो आपको 4G नेटवर्क को भी टक्कर देता है, और BSNL के प्लान्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 199 रुपये यदि आप खर्च करते हैं तो 2 GB डाटा डेली मिलेगा आपको, अनलिमिटेड कॉल मिलेगी, 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगा, और यहीं पे दूसरा रिचार्ज आता है 599 रुपये का, 84 दिन के लिए 2 GB डाटा डेली मिलेगा, तो BSNL का प्लान्स बहुत अच्छे लगे। 599 रुपये में आपको 3 GB डाटा डेली मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और BSNL के बहुत सस्ते सस्ते प्लान्स हैं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, तो इसलिए लोग BSNL में आना चाहते हैं। हाँ, तो BSNL में यदि आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जो रूल्स था, जो नियम था, जो इसकी टारगेट थी, हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन मेन मुद्दा आप नेटवर्क पता कर ही आइएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देंगे। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, उस पर आपको जानकारी मिल